बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 188 दिन बाद किस मशहूर इमारत को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है? ए ताजमहल, बी इंडिया गेट, सी सुंदरवन या डी लाल किला? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर को पीएम मोदी की सौगात, 2588 करोड़ रुपए की लागत से दो परियोजनाओं का पीएम ने किया शिलान्यास। भागलपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दो बड़ी परियोजनाओं का खास तोहफा दिया है। जिले में 2588 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे दो फोर लेन ब्रिज का दिल्ली से पीएम ने ऑनलाइन शिलान्यास भी कर दिया है, जिसमें विक्रमशिला के समानांतर पुल और वीरपुर बीपुर के बीच कोसी नदी पर फुलौत में बनने वाली पुल शामिल हैं। जिलेवासी इन दोनों परियोजनाओं की वर्षों से मांग कर रहे थे। वहीं प्रस्तावित दोनों ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण होने के पश्चात पूर्वी बिहार से सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। वहीं दोनों प्रस्तावित योजनाओं पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता राम सुरेश राय की माने तो भागलपुर से नवगछिया के बीच विक्रमशिला पुल के समानांतर फोर लेन पुल का निर्माण 1110 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल के अंदर निश्चित रूप से करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं यह ब्रिज 29 मीटर चौड़ा और 4.455 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा नदी पर विक्रमशिला के समानांतर इस पुल का निर्माण भागलपुर के जीरो माइल से नवगछिया के जाह्नवी चौक तक होना है। बड़ा स्पष्ट धनबाद जी ने आपको बताया, अब भागलपुर के चारों तरफ पुल ही पुल, अब जो है भागलपुर के चारों तरफ आपको ब्रिज ही दिखाए, सुल्तानगंज नरवाली घाट ब्रिज बन रहे हैं जो हमारा लगभग पूरा होने वाला है। और भागलपुर में फोर लेन के साथ साथ जो पहले से हमारा टू लेन है सिक्स लेन है, और मनियारी और साहबगंज के बीच में पुल बन रहे हैं। तो तमाम चारों तरफ जो पुल की कमी थी इस पूरे भागलपुर को जाम बार बार हो रहा था, उससे पूरी तरह भागलपुर जाम मुक्त होगा, ये आगे के लिए रास्ते खुल रहे हैं। मंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर क्या लगता है आज वाजपेयी जी का सपना साकार हुआ? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो NH 106, NH 107 उस वक्त उसकी घोषणा की थी, लेकिन जानबूझ के शरारत हुई थी कि फुलौत से उधर तो टेंडर भी हो गया, रोड भी बनने लगा, लेकिन इसको UPA ने मिसिंग लिंक कह दिया था। वो जो 137 किलोमीटर है उसमें 106 किलोमीटर का रोड। बिहपुर बीरपुर NH 106 का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किया शिलान्यास। उत्तर बिहार को भागलपुर से जोड़ने वाली वर्षों पुरानी मिक्सिंग लिंक बिहपुर बीरपुर NH 106 लोगों का सपना अब पूरा होने वाला है। सोमवार को बीहपुर बीरपुर NH 106 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। शिलान्यास को लेकर झंडापुर चौक NH 31 हरियो जाने वाली सड़क के किनारे प्रशासनिक स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए LED लगाए गए थे, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों को संबोधित किया। बिहपुर बीरपुर NH 106 मिक्सिंग लिंक का निर्माण कार्य 1478.40 करोड़ की लागत से होगा, जिसमें कोसी नदी पर दो पुल का निर्माण होगा, जिसमें मधेपुरा जिले के फुलौत में 1.5 किलोमीटर एवं बीहपुर में 5.25 किलोमीटर में कोसी नदी पर पुल का निर्माण सहित कुल 29 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार अपने से मॉनिटरिंग कर रहे थे। शिलान्यास को लेकर जगह जगह पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। मौके पर कई जनप्रतिनिधि सहित भाजपा के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे।
अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का आयोजन। नवछिया प्रखंड के खगड़ा गांव में सोमवार को 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण कर आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि कोविड-19 उन्मूलन और विश्व शांति सहित विक्रमशिला पुल के समानांतर 4-लेन पुल का शिलान्यास करने के लिए ब्रह्मानंद स्वामी आगमानंद जी के निर्देश अनुसार खगड़ा गाँव के हनुमान मंदिर में किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मंगलवार को समाप्ति के बाद ब्रह्मानंद स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा भागवत परिचर्चा भी की जाएगी। जदयू जिलाध्यक्ष ने किया चुनाव से पूर्व नौगछिया को जिला बनाने की मांग। जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री से चुनाव से पूर्व ही नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में CM को याद दिलाया गया है कि भागलपुर, नौगछिया और बांका जिले के वर्चुअल संवाद में उन्होंने जिला बनाने की बात पर चर्चा की थी। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि चुनाव से पूर्व ही अगर पूर्ण जिला घोषित कर दिया जाता तो यह नौगछियावासी का सौभाग्य होता। साथ ही उन्होंने विक्रमशिला सेतु पुल के समानांतर 4-लेन पुल और कोसी नदी पर बुलौत घाट पुल की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास समारोह में भी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता के साथ मौजूद थे। मौके पर बुलंदी चौधरी, अनिल पटेल, रंजीत मंडल, मुन्ना भगत, फैयाज राणा, प्रिंस पटेल सहित कई अन्य मौजूद थे। बघजान तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ में फैला कोसी का पानी। खरी के चौरहर से 2 किलोमीटर पश्चिम तकरीबन 500 मीटर के दायरे में बघजान बांध ध्वस्त होने से कोसी के बाढ़ का पानी बगही सुरहा समेत आसपास के तकरीबन 200 एकड़ खेत में कोसी नदी का पानी फैल गया है, जिसमें लाखों रुपए की लागत से किसानों का तैयार केले का फसल बर्बाद हो गया। कई किसान के खेतों में लगे दलहन धान समेत अन्य मवेशी के लिए लगे फसलें नष्ट हो गई है, जिससे किसान बर्बाद हो गए हैं। तटबंध टूटने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चोरहर के पीड़ित किसान अवधेश पंडित, सिकंदर मेहता, अशोक यादव सहित कई अन्य ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। कदवा मिलन चौक पर सड़क हादसे में 2 की मौत, 9 घायल, गंभीर स्थिति में मायागंज रेफर। नौगछिया पुलिस जिले के कदवा ओपी क्षेत्र के बाबा विशु राउत सेतु संपर्क पथ पर मिलन चौक के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में कुल 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की प्राथमिक चिकित्सा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, फिर सबों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान नौगछिया पुलिस जिले के कदवा ओपी के प्रताप नगर निवासी बुजुर्ग दिसंबर राय और झारखंड के गोड्डा जिले के गंगटी थाना क्षेत्र के भोंडिया गाँव निवासी विजय पंडित 45 वर्षीय, पिता मुनेश्वर पंडित के रूप में की गई। घायलों में से ही एक ने बताया कि गोड्डा से सभी मजदूर पंजाब जाने के लिए 4-चक्का वाहन सुमो से निकले थे। सभी पहले मधेपुरा जाते, फिर वहां से बस से पंजाब के लिए रवाना होते। स्थानीय लोगों और कुछ घायलों ने बताया कि मिलन चौक के पहले सुमो वाहन से प्रताप नगर के एक बुजुर्ग दिसंबर राय को धक्का लग गया। धक्का लगने के बाद सुमो का चालक तेज गति से सुमो को भगाने लगा और मिलन चौक पर पहले से खड़े एक 18 चक्के वाले ट्रक में पीछे से जोरदार धक्का दे मारा। टक्कर इतना जबरदस्त था कि सुमो के परखच्चे उड़ गए और उस पर बैठे सभी लोग वाहन में ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला। मृतक विजय पंडित की मौत मौके पर ही हो गई थी। नवगछिया में सोमवार को रहा हादसों का दिन, सड़क हादसे में महिला घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के NH31 भवानीपुर चौक और मुरली चौक के बीच हुए सड़क हादसे में पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी उमेश मंडल की पत्नी सविता देवी 50 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद घायल महिला को रंगरा पुलिस द्वारा इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अन्य हादसे में 3 वर्षीय बच्ची घायल, वाहन क्षतिग्रस्त। कदवा ओपी के पचगछिया टोला कदवा के समीप सुबह 7 बजे एक हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में हाईवा का आगे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और शीशा चूर हो गया। किसी तरह जान माल का नुकसान नहीं हुआ, चालक और खलासी बाल बाल बच गए।
वहीं कदवा हाई स्कूल के समीप प्रताप नगर निवासी रुदल सिंह की 3 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी को गांव के ही लक्ष्मी राय के बेटे ने मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया, जिससे उसके माथे पर चोट लगने से वह जख्मी हो गई। रानी का इलाज परिजनों द्वारा स्थानीय चिकित्सक से कराया जा रहा है। नवगछिया, ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटरिया स्टेशन के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक और एक ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर में दोनों वाहनों के चालक और खलासी बाल बाल बच गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। नवगछिया, मास चेकिंग अभियान में 95 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 95 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 7 वाहन से 6000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295 830 773, 93043 67 170। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। नवगछिया, कोरोना संदिग्ध ट्रक चालक की मौत, अनुमंडल अस्पताल लाया गया शव। नवगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कोरोना संदिग्ध एक ट्रक चालक की मौत हो गई। ट्रक चालक गुरुदीप सिंह 50 वर्ष पंजाब के फरीदकोट का निवासी है। गुरुदीप के ट्रक के पीछे पीछे चल रहे ट्रक चालक व भाई कुलवंत सिंह ने बताया कि उसके भाई ने रविवार शाम को सरदर्द और सर्दी बुखार हो गया था। रास्ते में ही एक चिकित्सक से दवा लेकर दिया गया था, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती रही। रविवार को शाम में वे अपने ट्रक पर बेहोश हो गए। फिर ऑटो से उन लोगों ने गुरुदीप को अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि ट्रक चालक का कोरोना का संदेह है, सैंपलिंग की गई है, वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिलहाल गुरुदीप के शव को अनुमंडलीय अस्पताल में ही रखा गया है। सिंह है, हमारे भाई का नाम गुरदीप सिंह है। सुबह उनका माथा दुखा है, उसके बाद हम इधर ले आए, इधर लाकर हमने टैबलेट दवाई लेकर दिया है। उसके बाद 1-1.5 घंटा तक सही रहे, 1-1.5 घंटा के बाद थोड़ा तबीयत खराब होने लग गया। और हमने सोचा इसको, लड़के को छोड़कर इनके पास 2 अंगूर का चीनी मिल जाता ना ठंडे वाला, हमने सोचा इनका मुंह सूखता है तो चलो मैं भाग कर दुकान से चीनी ले आता हूँ, थोड़ा मुंह सूखेगा तो दे देंगे। जब तक हम आए तब तक वो सीटों में गिर गए। अच्छा, उसके बाद टेम्पो में लेके इधर आ गए। अच्छा, कहाँ से, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप लोग, कौन सा गाड़ी लेके निकले आप लोग? टेलर है, 22 चक्का टेलर है, 40 चक्का ट्रक है, ट्रेलर बोलते हैं। कहाँ से गाड़ी आ रही थी आप लोग, कहाँ से आ रहे थे? हम तो सिलीगुड़ी से आए थे, परवीजगंज से दुर्गापुर जा रहे थे। और फिर दुर्गापुर से कहीं जाना था, पंजाब जाना था। कहाँ के हैं रहने वाले आप लोग? फरीदकोट के। वज्रपात से 5 भैंसों की गई जान। नवगछिया के विजय घाट दियारा में ठनका गिरने से धोनी निवासी किसान पीको यादव की 5 भैंसों की जान चली गई। इस घटना में किसान को 3 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने सरकार से किसान को समुचित मुआवजा देने की मांग की है।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली, संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9343-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने, शिव मंदिर के समीप, नया टोला नौगढ़िया, 9534338689 7856914231 6206224713 खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8228956905 या रजिस्टर करें MSWT बिहार.com पर।